देखिए फ्रेंड्स, हमने गणपति के आने की खुशी में मोदक बनाए हैं। कितने बढ़िया सुंदर से मोदक बने हैं और हेल्दी और साथ में टेस्टी। तो चलिए देखते हैं इनको हमने कैसे और किन किन चीज़ों से बनाया और क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जो हमारे मोदक इतने अच्छे बने। गणपति बप्पा मोरिया आज हम बनाएंगे हेल्दी टेस्टी मोदक बप्पा को भोग लगाने के लिए। ये मैंने लिया एक चुकंदर, इसको मैंने अच्छे से धो लिया पहले। ऊपर से बहुत मिट्टी होती है तो इसे धोना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से धोएं इसे और फिर छील लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं बढ़िया से मोदक, जिसे बच्चे भी खा के खुश हो जाएंगे। वैसे आप चुकंदर खिलाइए, कोई नहीं खाएगा। रायता बनाइए, कुछ भी सलाद में डालिए, तो भी बच्चे खाना पसंद नहीं करते। लेकिन ये मोदक बनेंगे ना, भगवान के साथ साथ बच्चे भी खुश, बच्चे खुश तो भगवान खुश। मैंने इनको अच्छे से छील लिया और अब इसको मैं कद्दूकस करूँगी। कद्दूकस इतना बारीक मत कीजिए, थोड़ा सा दाना आए इतना कीजिए। इसे अब कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने चुकंदर को कद्दूकस कर लिया और कितना लाल। हम सभी जानते हैं चुकंदर हमारे लिए कितना हेल्दी होता है, खून बढ़ाने की मशीन है ये। चुकंदर को डेली डाइट में शामिल करें तो बहुत ही फ़ायदा होता है। मैं तो अक्सर सलाद में भी डाल लेती हूँ, रायता भी बना लेती हूँ। ये रखा पैन, इसमें मैं डालूँगी घी थोड़ा सा, एक चम्मच के करीब, खाने वाले जो चम्मच हैं वो वाला। और इसमें डाल दूँगी मैं ये चुकंदर। देखिए कितना लाल लाल, हाथ से इस कद्दूकस करा तो हाथ लाल हो गए। और अब इसको घी के साथ भूनेंगे अच्छे से। घी में भूनने से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। कोई भी मिठाई बनाए या सब्जी भी बनाते हैं, उसे पहले हम मसालों के साथ घी में भून लें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। घी या तेल जिसमें भी हम बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब्जी आप घी में ही बनाएं। सूखी सब्जी हम ज़्यादातर तेल में बनाते हैं, मैं तो ज़्यादातर सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो चलिए इसे अब भून लेते हैं। ये देखिए घी में अच्छे से भून गया। अब मैं इसे थोड़ा सा दूध डाल के पकाऊंगी। आप चाहें तो पानी में भी पका सकते हैं, मावा मिला रहे हैं तो। मैं इन्हें दूध में मिलाऊंगी, पकाऊंगी, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है। बाज़ार से नहीं ला रहे तो अपने घर में तो हम बढ़िया सा बनाएंगे ना। चाहे देखने में उतना सुंदर ना बने जितना बाज़ार का होता है, लेकिन बनाएंगे तो बढ़िया ही। इसमें मैं डाल दूंगी एक कप दूध और इसको पकने देंगे, ढक के पकाएंगे, जिससे कि चुकंदर गल भी जाए। कच्चापन तो हमने निकाल दिया इसको भून के, लेकिन गल जाए इसके लिए हम इसे ढक के पका लेते हैं। ये देखिए दूध डालने के बाद हमारे चुकंदर इस स्टेज पे आ गए और ये गल भी गए। अगर हम इसमें पहले से चीनी डाल देते तो चुकंदर गलता नहीं। और अब इस कटोरी के हिसाब से मैं आधा कटोरी चीनी डालूंगी, क्योंकि चुकंदर का स्वाद थोड़ा कसैला सा होता है। ये मैं चीनी डाल रही हूँ, इसको चीनी के साथ भून लेंगे। दूध के साथ हमने ढक के पकाया था, लेकिन चीनी के साथ ढक के नहीं पकाएंगे। देखिए चीनी पानी छोड़ रही है, अब हमें इस पानी को भी सुखाना है। और जो आधी कटोरी चीनी ली थी मैंने उसमें से भी बचा ली, क्योंकि दूध की अपनी मिठास होती है, मावा डालेंगे उसकी अपनी मिठास है। तो हम चीनी, मैं तो कम ही डालूंगी, वैसे आप डाल सकते हैं। चुकंदर को कद्दूकस करके नाप लीजिए और उसके हिसाब से जितना चुकंदर है उसकी आधी चीनी डालिए। अब इसे पकने देते हैं। देखिए चीनी का पानी सूख गया, अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए, अगर आप इसमें मावा नहीं डालना चाहते तो आप ये डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं। कोकोनट जो गोला घर में होता है उसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। और अगर मावा डाल रहे हैं तो फिर ये कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ें डाल के दिखाती हूँ। ये कोकोनट डालने से होगा क्या, ये जो इसमें रहा सा मॉइस्चर है वो भी सूख जाएगा। मैंने केवल 2 चम्मच डाला है, खाने वाले जो हमारे किचन के होते हैं, क्योंकि मैं मावा डालूँगी। देखिए कोकोनट डालते ही इसमें एक बाइंडिंग सी आनी शुरू हो गई है। आप केवल कोकोनट भी डाल सकते हैं, उससे भी आपकी बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगी, लेकिन वो आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए डाला है, देखिए उसी से कितनी बाइंडिंग आएगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी मावा,
क्योंकि मैं मावे से बना रही हूँ। ये मावा मेरा घर का ही बना हुआ है और भुना हुआ भी है, आप देख सकते हैं कलर कितना डार्क है। और मैंने इसे कद्दूकस इसलिए नहीं किया कि इसमें जाके ये सॉफ्ट हो ही जाएगा। मावा डालने से हमारे मोदक का टेस्ट बहुत ही इनहेंस होगा। इसे मावे के साथ भून लेते हैं। ये देखिए मावा डाल के भी मैंने अच्छे से भून लिया। अब इसको हम इतना और थोड़ा सा भूनेंगे 2 मिनट तक, जो ये अच्छे से मॉइस्चर इसका निकल जाए, बाइंडिंग अच्छे से आ जाए, हम मोदक बनाएं तो बहुत अच्छे से बन जाए। बस इतना ही भूनेंगे। मावा भी अच्छे से मिल गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर, मिला लेंगे अच्छे से। और आप देख सकते हैं हमने घी इसमें कितना थोड़ा सा डाला था, लेकिन जो हमने कोकोनट डाला, मावा डाला, उसकी चिकनाई इसमें अच्छे से आ गई। तो हमें घी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और शाइनिंग भी देखिए भुनने से कितनी आ गई है। मैं आपको पास से दिखाऊं तो देखिए कितनी शाइनिंग है। बस अब इसे हम ठंडा करेंगे, जो हमारे हाथ बर्दाश्त कर सकें, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हम इसे अपने मोदक बनाएँ, इसे ठंडा होने देते हैं, फिर मोदक बनाएँ। ये देखिए हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया। अब हम इससे अपने मोदक बनाएंगे। कितना शाइनी सा है और कितना बढ़िया है, और हेल्दी तो बहुत ही है। बप्पा के साथ साथ बच्चे और बप्पा दोनों खुश हो जाएंगे इन्हें खा के। अब चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, चाहें इसमें ऊपर से लगा सकते हैं, सुंदर दिखने चाहिए ना ऊपर से भी, और अंदर डालना चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं। लेकिन हमने इसमें बहुत अच्छे से बनाया है इसको, तो मैं इसमें अंदर ना डाल के ऊपर से डेकोरेट करूँगी, थोड़ा सा अंदर मिला दूँगी। मैं इसमें थोड़े से कटे बादाम, काजू, पिस्ता तो इसमें बहुत ही सुंदर लगते हैं, और इनको अच्छे से मिक्स करूँ। अब इससे अपने मोदक बनाते हैं। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, मोदक है बनाने वाला है तो उसमें भी बना सकते हैं। मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी पिस्ता, काजू और बादाम, और इस तरह से अच्छे से दबा के भर लें। मैंने आपसे इससे पहले बहुत से मोदक की रेसिपी शेयर की है, इंस्टेंट मोदक कैसे बनाए जाते हैं, बेक करके बनाए हैं, बहुत तरह के मोदक बनाए हैं, मैं उनका लिंक डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसे देखते हैं हमारा मोदक कैसा बना। देखिए कितना सुंदर मोदक बना। इस तरह से मैंने सारे मोदक बना लिए। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आप इस तरह से बनाते हैं। चलिए खाइए, भोग लगाइए और बताइए कैसे बने। थैंक यू।